लगातार 3 दिनों से छठ पूजा का भव्य तरीके से कई जगहों पर भव्य तरीके से त्यौहार का मनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारतवर्ष के 2 राज्यों में ही छठ पूजा बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। नंबर 1 बिहार आता है, उसके बाद नंबर 2 पर आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और बिहार जनपद में जो छठ का पूजा है ये बड़े ही धूमधाम से और एक महापर्व के तरीके से मनाया जाता है। आपको बता दें कि ये जो छठ का पूजा है साल में 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र में मनाया जाता है और दूसरा जो होता है वो कार्तिक में मनाया जाता है। आपको बता दें कि जो छठ पूजा है ये कब से प्रारंभ हुआ, जब महाभारत हो रही थी। महाभारत में एक महान योद्धा थे जिनका नाम था कर्ण। कर्ण सूर्य के पुत्र थे और ये रोज सुबह उठकर नदी में जाकर के घंटों तक नदी में खड़े रहकर सूर्य भगवान को अर्घ देते थे, यानी कि जल अर्पण करते थे। तभी से ये जो प्रथा है ये चालू हो गई और लोगों द्वारा ये प्रथा को चालू रखा गया। और वही आपको बता दें कि एक कथा के अनुसार यह भी कहा गया है कि जब 5 पांडव कौरवों के साथ जुआ खेल रहे थे और जुए में जब सारी संपत्ति हार गए थे, उसके बाद जब कुछ नहीं उनके पास बचा था, उसके बाद द्रौपदी ने ये जो छठ पूजा का प्रथा थी ये उन्हीं से चालू हुई और उन्होंने ही प्रथम बार ये छठ पूजा का आयोजन किया और अपने परिवार और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखा। जिसके बाद द्रौपदी को छठ मैया ने प्रसन्न होकर यह आशीर्वाद दिया कि तुमको धन धान से हर चीज़ से सुखी मिलेगी। वही आपको बता दें कि जो छठ मैया हैं ये सूर्य भगवान की बहन हैं। जैसा कि मैंने सर्च किया है और सर्च करने के बाद ही आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था कि आखिर छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है। जब मैंने ये सुना कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भव्य तरीके से छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, तो मैंने सर्च किया कि आखिर ये छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। तो सर्च में आया कि छठ पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है, ये कोई त्यौहार नहीं, एक बहुत ही भव्य तरीके से और बहुत ही बड़ा पर्व है जो बहुत ही भव्य तरीके से मना। ये छठ पूजा है, कितने वर्षों से कब की चली आ रही है, क्या मानता है इसका? मानता आज से नहीं, भारतवर्ष से भारत काल में व्रत का बहुत विधान है। ये महाभारत काल से व्रत किया जा रहा है। द्रौपदी ने पहला व्रत ये स्टार्ट किया था, सूर्य पुण्य कर्ण देव ने अर्घ दे के इस पूजा को संपन्न किया, इसलिए हम सभी इस पूजा को संपन्न करते हैं। उगते सूर्य हुए के साथ साथ ढलते हुए सूर्य का हम लोग अर्घ दे के इस पूजा का महत्व बताया गया है। हमारे भारतवर्ष में ये एक ऐसा पूजा कि जो ढलते हुए सूर्य का ही पूजा किया जाता है। क्या मानता है इसका? ये मानता है इसके इस व्रत करने से पुत्र धन, पुत्र पौत्र संपत्ति, आयु दीर्घायु सारे चीज़ संपूर्ण मिलते हैं। इसलिए कार्तिक मास में 3 दिन का यह व्रत हम लोग विधि विधान से पूर्ण करते हैं।